चलिए भिवंडी की सबसे बड़ी खबर आपको जताने जा रहे हैं, जहां पर कल प्रधानमंत्री कल्याण में भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, मेट्रो भूमि पूजन संपन्न होगा। वहीं पर कल्याण के व्यापारियों ने विरोध जताया है, भूमि पूजन का विरोध तो नहीं जताया है, उन्होंने कहा है कि मेट्रो मार्ग का हमारा विरोध है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जलेबी के चक्कर में, राजनीतिक चक्रव्यूह के चक्कर में आज मेट्रो यहां पर जो कल्याण नाका से लाया जा रहा है, व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है, उसको भरपाई के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। यहां पर व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि इसका हमारा विरोध है। विरोध क्यों है पूरी जानकारी हम लेते हैं, पर यह जरूर है कहीं ना कहीं राजनीतिक चक्रव्यूह में और कुछ आर्थिक लाभ या जमीनी लाभ को लेकर के यहां पर जो मार्ग बनाया जा रहा है उसका उन्होंने जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो का मार्ग पहले जो सुनिश्चित किया गया था उसमें बदलाव क्यों आया है, इसकी जानकारी हमें चाहिए। हमें विकास में विरोध नहीं है, हमें भूमि पूजन में विरोध नहीं है, पर इस मार्ग को लेकर के हमारा विरोध है। व्यापारियों ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर के वहां पर इकट्ठे मंदिर व मस्जिद के ट्रस्टियों ने हमारी टीम से जानकारी ली। शादाब उस्मानी और जो समाज सेवक हैं और राम लहारे जो समाज सेवक हैं, उन्होंने इस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मार्ग का हम जहां तक हो सकेगा हम इसका जमकर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो सड़कों पर भी उतर कर हम विरोध करेंगे। तो चलते हैं पत्रकार परिषद में, जहाँ पर कल नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और उसके पूर्व संध्या पर यानी उसके पहले एक दिन पहले जो व्यापारियों ने अपना विरोध जताया उनका वक्तव्य सुना रहे हैं। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, शहर के विकास के लिए कुर्बानी देना चाहिए, लेकिन शहर के हर वर्ग के लोगों को देना चाहिए। कल्याण के लोगों ने पिछले 40 साल में 3 बार शहर के विकास के लिए अपनी जगह खाली 30 फुट खाली करके दी और उसके बावजूद इस रोड पे धार्मिक स्थल ज्यादा है, इसलिए कॉर्पोरेशन ने वहां पे ब्रिज का निर्माण के लिए शासन को लेटर भेजा। शासन ने उसको मंजूर किया, 2016 से ब्रिज का निर्माण हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि आने वाले वक्त में डीपी और बढ़ेगा, क्योंकि जब 96 में जब ये 100 फीट का रोड किया गया था तो उस टाइम बहुत विरोध हुआ था और उसको अमेंडमेंट करके 80 फुट किया गया है। इसीलिए किया गया था कि सारे धार्मिक स्थल टूट टूट के इस कगार पे आ गए हैं कि अब तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा यही दर्द है कि बिल्कुल जनता को विश्वास में लेके असंवैधानिक जो है MMRDA काम कर रही है। जनता को विश्वास में लेना चाहिए, उनकी पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्शन सजेशन फाइल करें। उन्होंने ना सजेशन लिया ना कोई ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर कर रहे हैं। डायरेक्ट भूमि पूजन एक हदधर्मी से कुछ कम नहीं है। कल्याण रोड की मांग पहली मांग यही थी कि कल्याण रोड से ही मेट्रो ले जाना चाहिए और ये जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जब नहीं हुआ था 2016 में, हमने कहा था कि क्यों ना इसको अमेंडमेंट करके आप इसको रीडिजाइन कर सकते हो, जिस तरह नागपुर में आपने किया है। ऑलरेडी MMRDA का प्रोजेक्ट नागपुर में चल रहा है, 4 माले का, 60 फीट रोड, हमारे पास 80 फुट रोड। उस ब्रिज को बिंदु केंद्र बना के MMRDA क्या कर रही है कि हमारे पास सेंट्रल लाइन खाली नहीं है, इसलिए हमें साइड की प्रॉपर्टी खाली करना पड़ेगा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजा है जिसमें मेंशन है कि 35 मीटर ईच साइड हमें प्रॉपर्टी खाली करना होगा अगर मेट्रो कल्याण से जाएगी, उसमें लिखा हुआ है। लास्ट पत्रकार परिषद में हमने वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड भी किए। सही कहा आपने, राज्य सरकार ने इस पे बात करना चाहिए और शहर के जो चुनके गए लोग हैं उनसे बैठ कर चर्चा करना चाहिए इसका हल क्या है। कल्याण रोड ये पाइप मार्ग नहीं है। ऑलरेडी MMRDA ने दो मार्ग सुझाव किए थे, एक रिंग रोड और एक ओसवाल वाड़ी से रोड है। ये दोनों रोड पे सिर्फ रिंग रोड में तो कुछ भी बाधित नहीं हो रहे हैं और ओसवाल वाड़ी रोड पे 230 लोग झोपड़े बाधित हो रहे हैं, क्योंकि MMRDA के पास प्रावधान में स्लम एरिया के लिए स्कीम है, वो MMRDA की बिल्डिंग पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी की। ठीक है, कौनसी को बात मंजूर नहीं थी, कौनसी ने मंजर पट्टी नाके का भेजा, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 मार्ग है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने MMRDA में सुझाव दिया कि दामनकर नाका से और BLN कॉलेज रोड से होते हुए DB में MMRDA के रूल एक कंडीशन है कि कोई भी रूट से जहां से मेट्रो जाएगी वो DB में होना चाहिए। तो DB के 3 और अन्य मार्ग एक आम नागरिक होने के नाते हमने दिए, जो यहाँ पे बैठी सरकार या यहाँ के नेता को देना चाहिए। वो 3 मार्ग क्या है वो हम सामने रखते हैं। एक मार्ग दामनकर नाका BLN कॉलेज से होते हुए पाइपलाइन होते हुए टेंडर आता है,
दूसरा यह भी नगर में डीबी क्लियर है और डीबी में मौजूद है वो देवघर में कनेक्ट होता है बागा रोड। उसी तरह नयेगांव स्टील स्टैंड से एक रोड जाता है वो 100 फुट का रोड जो है वहां से फातिमा नगर से कनेक्ट होकर वापस पाइपलाइन पे आता है। जो डीपी में है सेंट्रल लाइन के पास खाली है। आप गौर कीजिए कि फीस एक सिर्फ एक मेट्रो घाटकोपर में कंप्लीट हो चुकी है घाटकोपर से अधिक उसमें कम से कम 50 जगह ऐसी है जहां पर 60 किलो 40 किलो के रोड पर मेट्रो जा रही है। हम आपके फोटो और वीडियो आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं जिसमें एक मस्जिद को बचाने के लिए स्टेशन है जोगेश्वरी उसी विरा के पास मस्जिद को चिंता का स्टेशन है। देखिए बचाने की मानसिकता हो तो बचाई जा सकती है लेकिन यहाँ तो मेट्रो को आधार बना के हजारों लोगों को बेघर बेरोजगार करने के लिए साजिश रची जा रही है। हमारा उसी का विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ उनकी नीतियां और उनकी जो रूप में उनकी गलती हुई है उसके ऊपर विरोध है। इसके लिए हम सभी ने काली पट्टी बांधकर आज यहाँ बैठे हैं। आप पत्रकार बंधुओं के हमेशा सहयोग रहा है। काली पट्टी बांधकर हम जो बैठे हैं उसका उद्देश्य क्या है वो आपके सामने मैं रखना जरूरी समझता हूँ कि उद्देश्य यही है कि कल्याण रोड की क्योंकि पिछले एक हफ्ते में लगातार जो न्यूज आ रही है पेपर में कहीं ना कहीं राजीव गांधी चौक से देवघर का जिक्र आ रहा और इसकी वजह से लोग भयभीत है। जैसा कि हमारे महाराज ने कहा कि लोग वाकई में बहुत भयभीत है। हमारी मीटिंग भी यहाँ पर आज से 5 दिन पहले सारे दुकानदार परेशान है। कल को कोई दुकानदार अगर सुसाइड कर लेता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उसके परिवार की। कल को प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जाकर कोई दुकानदार आत्महत्या करने की कोशिश करता है खुद से मैं भी दुख अपना निषेध प्रदर्शन करने के लिए तो उसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम जो है सारे लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।